about mechanical properties of solids. In mechanical properties of solids, we are going to discuss about the stress applied on the body and strain in that body. Strain means it is the changes takes place in the shape or size of the body with respect to its original shape or size. And stress is nothing but a pressure, or we can say it is the force acting per unit area of a body. तो किसी body के ऊपर जब हम force apply करते हैं तो वो force उस body के एक particular area पर apply किया जाता है, that is called as the stress. और उस body में जो change आ रहा है, या तो shape में change आएगा, या तो size में change आएगा, या तो दोनों में change आएगा, ये जो change आएगा उसको हम लोग relate करने वाले हैं उसके original shape और size के साथ में. तो हम लोग यहाँ पर quantity find out करने वाले हैं strain. So in mechanical properties of solid, we are going to discuss about the stress and strain. But before discussing about the stress and strain, let us discuss about some terms regarding this mechanical properties of solids. जिसमें सबसे पहला जो term है, it is the deformation. It is called as deformation. तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज. डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज. किसी बॉडी में, किसी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उस बॉडी के साइज में या बॉडी के शेप में या फिर दोनों में, मतलब शेप और साइज में, दोनों में जो चेंज आएगा उस चेंज को हम लोग डिफॉर्मेशन कहेंगे. जैसे अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो बलून का एग्जाम्पल लेते हैं. बलून के अंदर जब एयर भरा जाएगा, उसके अंदर जब हवा हम लोग भरते हैं, तो उस समय बलून का जो साइज है बढ़ता रहता है, बलून का साइज इंक्रीज होता है. जब उसमें से एयर को बाहर निकाला जाता है तो बलून का साइज डिक्रीज होता है, मतलब इसमें साइज चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन है. सेकेंड एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो रबर का, रबर बैंड, रबर बैंड को अगर आप लोग खींचोगे तो उसका साइज बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ना इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन होना. आप एक वैक्स का स्फेरिकल बॉल ले लो, वैक्स का स्फेरिकल बॉल ले लो मोम का, और उस स्फेरिकल बॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज होगा, मतलब अब वो स्फीयर नहीं रहेगा. आपने उसको प्रेस किया है, अब वो स्फीयर नहीं रहेगा, उसने दूसरा शेप ले लिया है. इट इज द चेंज इन शेप कॉल्ड एज द डिफॉर्मेशन. मतलब डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाएगा, फोर्स अप्लाई करने पर अगर उस बॉडी के शेप में या उस बॉडी के साइज में या फिर दोनों में अगर चेंज आता है, देन इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन. तो डायरेक्टली हम लोग एक बात ये करते हैं ना, अगर शेप चेंज हो रहा है या साइज अगर चेंज हो रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है. शेप चेंज होना या फिर साइज चेंज होना इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है. आप रबर को अगर खींच रहे हो उसका लेंथ चेंज हो रहा है, आप बलून को अगर फुला रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर आपने वैक्स का जो स्फीयर है उसको अगर प्रेस किया तो उसका सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. कहने का मतलब यह है कि यहां पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है. तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही, तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन से हम लोग बता सकते हैं. सो डायरेक्टली वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन शेप और साइज, ऐसा नहीं कहते, द चेंज इन शेप और साइज, और इन बोथ, और इन बोथ. तो हम ऐसा ना लिखते हुए उसको लिखेंगे द चेंज इन डायमेंशन, इट इज कॉल्ड एज द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी is called as
डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। ठीक है, हमने यहां पर एग्जांपल लिए, रबर का एग्जांपल लिया, स्फीयर का एग्जांपल लिया विच इज मेड अप ऑफ द वैक्स मटेरियल, बलून का एग्जांपल लिया। जैसे तीन एग्जांपल हमने लिए, इन तीनों एग्जांपल में आप लोग देखो इनके डायमेंशन में चेंज लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ा, डायमेंशन में चेंज लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ा। रबर का लेंथ कब इंक्रीज हुआ? जब हमने उसको खींचा, मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया। बलून के अंदर जब एयर भरा गया तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब बलून के द्वारा हमने फोर्स अप्लाई किया। स्फीयर के ऊपर, वैक्स से बना हुआ जो स्फीयर है उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, उसको प्रेस किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया, तब जाकर उसका शेप चेंज हुआ। तो डायमेंशन में अगर चेंज लाना है तो वहां पर आपको एक फोर्स अप्लाई करना जरूरी है। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वहां पर डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जब हम किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब डायमेंशन चेंज किया हमने, वहां पर हीट प्रोवाइड किया आपने, तो वहां पर जो फोर्स अप्लाई होता है जिसको कहा जाता है थर्मल फोर्स, मतलब वहां पर भी फोर्स अप्लाई होता है। मतलब किसी भी केस में अगर डायमेंशन को चेंज करना है तो वहां पर फोर्स अप्लाई होना जरूरी है। रबर को खींचा आपने तो उसके रबर के, जैसे ये रबर है समझ लो, रबर का शेप मतलब हम लोग सिलेंड्रिकल मान रहे हैं, ये जो है यहां पर पकड़ के खींचते हैं हम लोग, तो फोर्स कहां लगा रहे हैं? फोर्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगा रहे हैं। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स लगा। जब हमने बलून के अंदर एयर भरा तो बलून के पूरे सरफेस एरिया के छोटे छोटे एरिया पर फोर्स अप्लाई हुआ। जैसे ये रबर है तो रबर को आपने यहां से खींचा, इसका मतलब पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर फोर्स अप्लाई हुआ। जैसे बलून है, बलून के अंदर जब आपने एयर भरा तो एयर इस प्रकार से फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब इस सरफेस एरिया के, इस सरफेस एरिया के हर छोटे छोटे एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आपने जब स्फीयर को प्रेस किया तो उस स्फीयर के हर छोटे छोटे, जैसे स्फीयर है, स्फीयर को आपने प्रेस किया तो यहां पर भी यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ। दैट मींस वी कैन से दैट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड दिस फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जहां पर भी डिफॉर्मेशन होता है वहां पर डेफिनेटली डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफॉर्मिंग फोर्स, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। So these are the definitions of deformation and the reforming force. Deformation, body में होने वाला change, body का dimension में होने वाला change. Deforming force, उस deformation के लिए जो responsible force होगा, मतलब जिस force के कारण body में deformation होगा, body के dimension में change आएगा, उसको हम लोग deforming force कहेंगे। Now, अभी हम लोग example ले रहे हैं rubber का और wax का, rubber और wax का। इन दोनों एग्जांपल में आप लोग देखिए
रबर को मैंने अगर खींचा तो डिफॉर्मेशन हुआ और छोड़ दिया तो फिर से वो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, मतलब वापस वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा, ओरिजिनल डायमेंशन में आएगा। भाई वैक्स का अगर एग्जांपल लिया जाए तो वैक्स का जो स्फीयर था उसको प्रेस किया मैंने, प्रेस किया तो क्या हुआ, डायमेंशन मतलब डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब डायमेंशन चेंज हुआ। और उसके बाद मैं फोर्स को हटा दिया, हाथों से मैंने प्रेस किया और उसके बाद मैं हाथों को हटा दिया, पर वो वैक्स फिर से स्फेरिकल शेप नहीं लेगा, वैसा ही दबा हुआ रहेगा, स्फेरिकल शेप नहीं लेगा। मतलब एक बॉडी ऐसा है जिससे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पे अपने ओरिजिनल डायमेंशन को वो रिगेन कर रहा है, और दूसरा बॉडी ऐसा है डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पर अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब दो टाइप की बॉडी आ गई। तो एक बॉडी होता है इलास्टिक और सेकंड बॉडी होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक से बना है, और इलास्टिक का मतलब ऐसा नहीं कि वो इलास्टिक से बना है। इलास्टिक का मतलब जो बॉडी ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करेगा, और प्लास्टिक बॉडी मतलब वो जो ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन नहीं करेगा। सो लेट अस डिफाइन इलास्टिक बॉडी। The body which can regain its original dimension on removal of force is called as elastic body. Example, rubber second example, metallic wire also. मेटालिक वायर भी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पर अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करता है। तो इलास्टिक बॉडी वो सभी बॉडी इलास्टिक बॉडी कहलाएगा जो बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने पे अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करेगा। बलून भी इलास्टिक बॉडी ही है, जब तक उसके अंदर आपने एयर भर के रखा हुआ है तब तक उसका वॉल्यूम आपको चेंज दिखेगा, जैसे ही एयर बाहर निकल जाएगा फिर से वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बलून भी इलास्टिक बॉडी ही कहलाएगा। जैसे आप अगर कोई रॉड लेते हो, मेटालिक रॉड लेते हो, तो रॉड का थिकनेस थोड़ा बड़ा ही रहता है, और उस रॉड को ऐसा पकड़े हो और पकड़ने के बाद में उसको ऐसा बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद में आपने उसको छोड़ दिया तो फिर से वो स्ट्रेट नहीं होगा, फिर से वो स्ट्रेट नहीं होगा। इसका मतलब वो भी वो प्लास्टिक बॉडी कहलाएगा, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आया। नो सेकंड डेफिनेशन इज दैट अबाउट द प्लास्टिक बॉडी। The body which cannot, आपने यहां पर can लिखा था, cannot regain, बाकी definition as it is है, its original dimensions on removal of force
इज कॉल्ड एज प्लास्टिक बॉडी. एग्जाम्पल इज वैक्स एंड सेकेंड इज मड और वी कैन से क्ले. मड ना कहते हुए हम लोग यहाँ पर क्ले अगर कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो क्ले जो होता है वो भी एक शेप लेने के बाद फोर्स को रिमूव करने पे अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता, मतलब ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आता. सो क्ले इज ऑल्सो द प्लास्टिक बॉडी. सो वैक्स एंड क्ले आर द प्लास्टिक बॉडी, रबर एंड मेटालिक वायर आर द इलास्टिक बॉडीज. तो इस प्रकार से यहाँ पर चार डेफिनेशन हमने क्लियर किए. फर्स्ट इज डिफॉर्मेशन, सेकंड इज डिफॉर्मिंग फोर्स, देन इलास्टिक बॉडी एंड देन आफ्टर प्लास्टिक बॉडी. नाउ व्हाई दिस इलास्टिक बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स, ये रिगेन क्यों करता है और ये रिगेन क्यों नहीं करता, विच प्रॉपर्टी वर्क्स इन दिस केस. These properties are called as elasticity and the plasticity. Elasticity property के कारण body अपने original dimension को regain करता है और plasticity के कारण plastic body अपने original dimension को regain नहीं करता. So let us define elasticity and the plasticity. Next is elasticity, the property of a body. Property of body मतलब actually वो property of material of body होता है. Body जिस material से बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी होता है. इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. सो प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन on removal of force is called as elasticity. इस property को हम लोग elasticity कहते हैं, जिस property के कारण body अपने original dimension को regain करता है. जब किसी body से deforming force remove किया जाता है तो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस इलास्टिसिटी इज द प्लास्टिसिटी. तो प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन जस्ट कैन नॉट यूज करना पड़ेगा. द डेफिनेशन इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी due to which body cannot regain its original dimensions
ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। तो यहां पर देखिए कैन रिगेन कैन नॉट रिगेन, जो रिगेन करेगा इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, और जिसमें रिगेन नहीं करेगा इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। That means we can say that this elasticity is related with the elastic body and this plasticity is related with the plastic body. Now, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि रबर को खींचा उसका डायमेंशन चेंज हुआ, फोर्स को रिमूव किया ओरिजिनल डायमेंशन में आया। इसका मतलब जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हुआ था तब तक उसका डिफॉर्मेशन हुआ, और जैसे आपने फोर्स को रिमूव किया तो फिर से वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ गया। इसका मतलब ये डिफॉर्मेशन ज़्यादा समय के लिए नहीं था, तब तक था जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था। फोर्स को रिमूव करने पे जो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में अगर आ रहा है इसका मतलब ये टेम्प्ररी है, ये टेम्प्ररी है। लेकिन वही अगर हमने वैक्स का एग्जाम्पल लिया, उसमें देखा कि वैक्स का बना हुआ जो स्फीयर है उसको हमने प्रेस किया, डायमेंशन चेंज हुआ, फोर्स को रिमूव किया लेकिन वो एज इट इज रहा, फिर से वो स्फीयर नहीं बना जबकि हमने फोर्स को रिमूव किया। इसका मतलब वो डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब वो हमेशा के लिए वही शेप रहेगा। जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसका शेप जो चेंज हुआ था वो हमेशा के लिए चेंज रहेगा, दैट मीन्स इट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, फर्स्ट इज टेम्प्ररी डिफॉर्मेशन, डेफिनेशन इज दैट द डिफॉर्मेशन इन विच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टेम्पररी डिफॉर्मेशन। इसका मतलब जो रबर का एग्जांपल है, बलून का एग्जांपल है, ये टेम्पररी डिफॉर्मेशन होंगे क्योंकि जब तक इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तब तक डिफॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे फोर्स को रिमूव किया वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ रहा है, कॉल्ड एज टेम्पररी डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स दिस टेम्पररी डिफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी, एंड दिस इलास्टिसिटी इज रिलेटेड विद द बॉडी कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी। नाउ अपोजिट ऑफ दिस टेम्पररी डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसका मतलब बॉडी परमानेंटली अपने चेंज इन शेप में रहेगा, चेंज इन डायमेंशन में रहेगा। सो डिफॉर्मेशन इज द डेफिनेशन इज सेम एज दिस टेम्पररी डिफॉर्मेशन, जस्ट यू हैव टू यूज कैन नॉट इन विच बॉडी कैन नॉट रिगेन its original dimension on removal of force is called as permanent deformation. तो यहां पर भी आप देखो क्या आया है और यहां पर क्या नॉट आया हुआ है।
दोनों डेफिनेशन सेम है, बस एक में डिफॉर्मेशन मतलब एक में डिफॉर्मेशन रिगेन हो रहा है, सॉरी मतलब डायमेंशन रिगेन हो रहा है, और सेकंड में डायमेंशन रिगेन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही दोनों प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी में रिगेन हो रहा है, सेकंड में रिगेन नहीं हो रहा है। बॉडी की अगर बात करेंगे तो इलास्टिक बॉडी में रिगेन हो रहा है, प्लास्टिक बॉडी में रिगेन नहीं हो रहा है। सो इलास्टिक बॉडी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज टेम्परेरी डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक बॉडी प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी एंड द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो डिफॉर्मेशन डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, टेम्परेरी डिफॉर्मेशन एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन, दीज आर द रिलेटेड टर्म्स टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। दैट मीन्स बिफोर डिस्कसिंग स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म्स, डिफॉर्मेशन डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मेशन मीन्स वॉट इज दैट, डिफॉर्मेशन मीन्स द चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी। लेकिन ये डायमेंशन कब चेंज होता है, जब हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स हुआ जो डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का डायमेंशन चेंज होता है। जब फोर्स को हम हटा देते हैं मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, तो एक बॉडी ऐसा जो अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन करता है कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी, दूसरा बॉडी ऐसा जो अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन नहीं करता कॉल्ड एज द प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी का बिहेवियर ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, और प्लास्टिक बॉडी का बिहेवियर इस प्रकार से है, इसके कारण है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी है। इसका मतलब इलास्टिक बॉडी टेम्परेरी डिफॉर्मेशन बता रहा है और प्लास्टिक बॉडी जो है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन बता रहा है। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू।